हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हमारा ससुराल से जाने का टाइम आ गया है। मम्मी हमारे साथ में जा रही हैं। कहाँ जा रहे हैं वो ब्लॉग में बने रहिए एंड तक, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। पापा जी हम लोगों को नीचे छोड़ने के लिए आए हैं। ऑटो में बैठते हैं, स्टेशन चलते हैं और ना गोवर्धन की पूजा हुई होगी तो गाय भैंस को कलर किया हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। घर से निकलने से पहले पापा जी का आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ पे रघुनाथ तो पहले ऑटो में बैठ गया था, फिर गया नीचे उतर के दादू एंड चाचू के पैर छुए। चलिए ऑटो में बैठते हैं, स्टेशन पहुंचते फिर आप लोगों से मिलते हैं। पहुंच गए हम लोग स्टेशन, अब चलते हैं। निकालना खुद को ही है। पहुंच गए हम लोग स्टेशन, पकड़ते हैं अपनी ट्रेन। हम लोग झेलम से जा रहे हैं सुबह सुबह ना, 7 बजे, 7 बजे जाती है। चलते हैं ऊपर, सबसे पहले अपनी ट्रेन पकड़ते हैं क्योंकि सुबह 7 बजे की हमारी ट्रेन थी और मम्मी जा रही हैं हमारे साथ में क्योंकि मम्मी को जाना है अपने मायके, मतलब नानी जी की ना तबीयत ठीक नहीं है तो मम्मी जा रही हैं नानी जी से मिलने के लिए। मम्मी वहाँ जाएंगी और हम लोग जाएंगे अपने घर, तो हम लोग जाएंगे अपने मायके। मम्मी अपने मायके जा रही है, मैं अपने मायके जा रही हूँ। पीछे बैकग्राउंड में साउंड आएगा, पहले ठंडी लगेगी। बट अभी हमारी ट्रेन नहीं आई है, सामने में खड़ी है गोरखपुर, इसके बाद आएगी झेलम, है ना। मम्मी स्वेटर पहने, मम्मी घर से ना सर जल्दीबाजी में स्वेटर पहन के नहीं आ पाई थी, ऑटो में इतनी ठंड लग रही थी। बट अब आएगी हमारी ट्रेन, ट्रेन पकड़ेंगे। रुद्रांश बहुत एक्साइटेड है। आज था रुद्रांश के दादू का बर्थडे एंड दादी का आज मम्मी एंड पापा दोनों का एक साथ बर्थडे है। मम्मी का डेट नहीं पता, मम्मी का डेट नहीं पता इसलिए पापा के साथ ही मना लो, बट पापा का आज बर्थडे है। सुबह सुबह ना पता है पापा को याद था तो पापा बोलते अरे आज तो मेरा बर्थडे है। हम लोगों का प्लान था ना कि हम बर्थडे के बाद जाएंगे, बट ना वही है ना कि टिकट विकेट का थोड़ा सा दिक्कत था ट्रेन में का, फिर हम लोगों को पहले ही निकलना पड़ा क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा काम था। बैकग्राउंड से हमारे सारा होगा। ट्रेन आ गई है, अब हम लोग निकलते हैं। कितने बकाया लगा रहा है भी नहीं। ये क्या हो रहा है देख जरा, दादी पोते का प्यार हो रहा है देखो। मैं दादी काउ मिल, आप काउ मिल को दादी बच्चा को सब प्यार कर रही है जो नहीं कर पाई वहाँ काम में। ट्रेन से और ये खड़ी हुई है हमारी ट्रेन, अब चलते हैं हम बाहर निकलते हैं एंड बाहर मिलेगी हमको गाड़ी, है ना, ये खाने पीने वाली गाड़ी। ये बोल रहा है तो चलने की जरूरत नहीं, मैं नीचे ऊपर से नीचे ही फेंकता हूँ, नीचे पहुँच जाओगी सीधी, है
ये देखो पतिदेव दो दो बैग लिए, दो बैग मैं लिए, एक ये एक मम्मी बच्चों को लिए और एक बैग लिए। फ्रेंड्स भैया आ गए लेने के लिए, दो मम्मी मैं ले लूं। जी चाची आई हुई है मेरे लेने। वो वाला भारी वाला बैग उधर रखो, वहाँ बीच में आपको जाना, दादी के साथ जाओ। ये आगे से भी रखो, ऐसे करो। तो मम्मी चली गई है, अब हम लोग जाएंगे अपने घर के लिए। रास्ता इतना ज्यादा खराब हो रहा है, हालत खराब हो गई है। तो गाइस पहुंच गई मैं अपने मायके और यहाँ पे इतने सारे लोग मेरा वेट कर रहे थे क्योंकि आज थी दोस्त, तो मुझे अपने भाइयों को टीका भी लगाना था और जो दिवाली के बाद दोस्त पड़े ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं दिवाली के बाद ना टीका लगा पाऊँ। तो ये मेरी पहली दोस्त पड़ेगी शादी के बाद, मैं अपने भाइयों को टीका लगाऊंगी। एंड इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, इससे आगे जो ब्लॉग आएगा उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ एंड नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ आप लोगों से। Thank you.